नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका इट्स सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं टाटा टियागो के बारे में कि ये गाड़ी आपको ब्रेकर्स पे कैसी परफॉर्मेंस निकाल करके देती है। मैं फ़िलहाल आया हुआ हूँ मंडी एरिया में, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया है और यहाँ पर मैंने 3-4 अच्छे खासे बड़े बड़े ब्रेकर देख रखे हैं। अभी हम चलेंगे उनके पास और एक्चुअली मैंने कभी उन ब्रेकर्स पर से गाड़ी को निकाला नहीं है क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कहीं गाड़ी अड़ ना जाए। लेकिन फिर भी आज मेरे मन में चुल मची कि क्यों ना भाई गाड़ी को निकाल करके देखें, उसका परफॉर्मेंस देखें और यूट्यूब की ऑडियंस को बताएँ कि ये गाड़ी ब्रेकर्स पर कैसी परफॉर्म करती है। बाकी आपको बाहर का थोड़ा सा आउटलुक दे देता हूँ कि गाड़ी में आपको क्या क्या कितनी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। टाटा टियागो के 4 वेरिएंट हैं और 4 वेरिएंट में जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 165 से 170 mm तक वेरी करती है। इसके टायर साइज़ में 13, 14 और 15 इंच के शायद टायर इसमें देखने को मिल जाते हैं। पर्टिकुलर ये जो मॉडल आप देख रहे हैं सामने, ये टाटा टियागो का XZ मॉडल है। पीछे की तरफ यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं और इसमें आपको 14 इंच के टायर और 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। हम ब्रेकर्स पर से गाड़ी को चलाते हैं, देखेंगे कि गाड़ी के जो सस्पेंशन है उनका ट्रेवल कैसा रहता है, किस तरीके से ये एडजस्ट होते हैं और कितनी स्मूथली गाड़ी ब्रेकर्स पर से निकल पाती है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे गाड़ी में कि फ्रंट वाले पैसेंजर को ब्रेकर पर कितना कम्फर्ट मिलता है और रियर में भाई अगर आप बस वगैरह में बैठे हो तो काफ़ी ज़्यादा जो धचके आते हैं वो चीज़ इस गाड़ी में है या नहीं है, एक्चुअल में क्या कम्फर्ट के सस्पेंशन देते हैं, कितना क्या ये एब्जॉर्ब कर पाते हैं, वो सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। गाइस, सबसे पहले टाइप का ब्रेकर जो आप देख सकते हैं सामने है, ये काफ़ी नॉर्मल ब्रेकर हैं। थोड़ा सा स्लोप आपको इसमें देखने को मिल जाता है लेकिन जब गाड़ी डिलीवर होगी, जब नीचे की तरफ उतरेगी तो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा सा स्लोप है और साथ ही साथ यहाँ पर ये थोड़ा सा गड्ढे टाइप जो एंटी ब्रेकर वाला सिस्टम होता है नीचे सा, वो यहाँ पर है। इस कंडीशन में मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी जो है कितनी बच जाती है ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में, कितना ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी में बच जाता है और कैसी फॉर्म करती है। सबसे पहले हम गाड़ी को बाहर से देखेंगे, उसके बाद मैं अंदर की तरफ आपको बैठ के बताऊंगा कि क्या क्या कंफर्ट आपको आगे और पीछे की सीट पर देखने को मिलता है। रॉक, पीछे जा, पीछे कर और पीछे, बस बस बस। यहां पर आप देख सकते हैं ऐसे छोटे मोटे ब्रेकर्स में जो गैप है ये तो काफ़ी ज़्यादा बच जाती है गाड़ी में और इन्हें तो काफ़ी आराम से गाड़ी जो है वो हैंडल कर लेती है। और आगे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी कम स्पेस बचा हुआ है, थोड़ा सा और आगे आने देना, ये नाली पे उतारना कर। ठीक है, पीछे ले जा। ये तो था थोड़ा सा स्लो में, अब थोड़ा सा स्पीड में मैं गाड़ी को लेकर के आता हूँ ब्रेकर पर से। दोस्तों, अभी मैं बैठा हूँ गाड़ी की रियर सीट पर और अभी इस टाइप के ब्रेकर पर से गाड़ी को निकालते हैं, देखते हैं कितना कंफर्ट ये पीछे वाली सीट हमें देती है, किस टाइप के धचके जो है पीछे वाली सीट पे लगते भी हैं या नहीं है। फटाफट गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, चलो बढ़ाओ, जान दो, थोड़ी सी स्पीड में लेना 20-30 पे। गाइस, धचके तो लगते हैं पीछे वाली सीट पर, बिल्कुल मक्खन मलाई वाली बात गाड़ी में नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब हम थोड़े से बड़े वाले ब्रेकर पर चलते हैं। गाइस, अगले टाइप का ब्रेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरे सामने है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मोटा सा ब्रेकर है और ये खड़ी हमारी गाड़ी। थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ से आपको दिखाऊंगा जब समझ में आएगा कितना बम्प है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा बम्प है और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। गाड़ी को आगे लेके आते हैं आराम से। अप्रोच एंगल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इतना कुछ है, ये यहाँ ऑलमोस्ट टच होने ही वाली रहती है। आंदो करके धीरे धीरे आप निकाल ही दे और क्या। यहाँ पर आप अप्रोच एंगल देख सकते हैं गाड़ी का, एकदम टच होने ही वाली रहती है और ये बीच में भी जस्ट ऑलमोस्ट टच होने वाली ही रहती है यहाँ पर। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये गाड़ी जस्ट यहाँ पे थोड़ी सी टच होने वाली रहती है इस टाइप के ब्रेकर में और बीच में देखें तो
यहाँ पर भी ऑलमोस्ट टच होने वाली रहती है, देख सकते हैं आप। लास्ट कितनी ग्राउंड क्लियरेंस बची है? थोड़ी सी है, थोड़ी सी बची है ना। हाँ। यहाँ पर भी थोड़ी सी रहती है। मुझे तो डर था कि यहाँ पर ये यह अटक जाएगी, लेकिन यहाँ से भी गाड़ी ने मतलब कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और आराम से निकल गई। शायद ही कोई बंदा इससे बड़े बम्प पर गाड़ी को निकाल सकता है। सो इससे बड़ा बम्प तो फिलहाल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर गाड़ी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। आपने देखा ग्राउंड क्लियरेंस इतनी कम होने के बाद भी थोड़ी सी बच जाती है, मतलब कि आप इस गाड़ी से काफ़ी अच्छा ऑफ रोड कर सकते हैं। अगर अंदर की तरफ का कम्फर्ट आपको बताऊँ तो सीट्स पर कम्फर्ट स्लो स्पीड में तो काफ़ी अच्छा रहता है, पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी मतलब ऐसी निकल रही। थोड़ा सा ऊपर नीचे लगेगा, लेकिन तेज़ स्पीड पर जैसे आएंगे तो भाई उचका देगी गाड़ी, मतलब कंफर्ट गाड़ी में नहीं है। सो ये दो टाइप के ब्रेकर हमने देख लिए। एक तीसरे टाइप का ब्रेकर जो वो अभी मैं आपको लेके जाता हूँ। वहाँ पर ये जो इतना गैप है ना यहाँ पर, वो उस ब्रेकर में नहीं है। ये थोड़ा मेन रोड पर है और यहाँ पर कुछ इतना बम्प है, मतलब कि बम्प तो अच्छा खासा है। मुझे पता है यहाँ पर गाड़ी अड़ने वाली तो नहीं है, लेकिन इस पर हम मेनली चेक करेंगे कि गाड़ी में कंफर्ट आपको कैसा देखने को मिलता है। सो मैं ही गाड़ी को ड्राइव करूँगा और थोड़ी सी स्पीड में लूँगा, देखता हूँ कितना क्या कम्फर्ट आपको यहाँ पर ये गाड़ी दे देती है। तो मतलब हाँ भाई, दचके तो लगते हैं लेकिन इजीली गाड़ी आराम से निकल जाती है। वैसा नहीं है कि एकदम दो तीन टप्पे वगैरह खाए। तो ब्रेकर्स पे टाटा टियागो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर देती है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस और इसकी जो भी बिल्ड क्वालिटी जिस प्राइस रेंज में आती है, काफ़ी अच्छा ऑफ रोडिंग फीचर्स मतलब कि ओवरऑल इसमें देखने को मिल जाते हैं। और ऐसे छोटे मोटे ऑफ रोड में ब्रेकर्स में अगर आप जाते हैं ना, तो गाड़ी कहीं भी आपको दिक्कत नहीं देगी, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर देगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब आपकी गाड़ी अड़ ही जाए। सो ये थी भाई वीडियो ओवरऑल कि टाटा टियागो ब्रेकर्स पर कैसी परफॉर्म करती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी फटाफट कर दीजिए। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।